हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। तो इसको हम स्टफ करके नहीं बनाएंगे, हम इसे इसको मैश करके इसी में बनाएंगे गूंथ के आटे में। तो सबसे पहले हम मूली को छील के और क्रश कर लेंगे हम इसे। अब मूली को हमने क्रश कर लिया है कद्दूकस से, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हम इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि बच्चों को मुँह में आता है तो जो है और तीखा लगता है ज़्यादा। अब इसमें हम आटा ले लेते हैं और नमक डाल देंगे हम इसमें, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो 1-2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे हम ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल ही हेल्दी। तो अब इसमें हम पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। पानी तो इसमें रहता ही है, मूली का जो रस रहता है। तो पहले तो उसको हम मैश कर लेंगे, गूंथ लेंगे, जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना है। ये देखिए आटा गूंथ गया है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि मेरा लड़का जा रहा है स्कूल, आज संडे है। फिर भी जो है आज डांसिंग सिंगिंग का कोई कॉम्पिटिशन है, इसलिए तो हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे अच्छे से फटाफट से। अभी ये इसके रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है इस आटे को, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। गीला होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, तो बेलने में दिक्कत होती है। अब इसे हम पलट के हम इसमें तेल लगा देंगे, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा दें, और इसे हम उलट पलट के पका लेंगे दोनों साइड से। सर्दियों के मौसम में अगर आप मूली नहीं खा सकते हैं तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करके बनाएं मूली के जो है पराठे। ये देखिए अब हम बच्चे को अपने दे देते हैं, वो खा लेगा, वो जाएगा पहले स्कूल, उसके बाद हम और पराठों को बनाएंगे। तो ये हमारा नाश्ता है, देख सकते हैं। आई होप हमारी रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।